सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? आई आपसे बच्चे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपने पोको M6 5G के अंदर भाई BGMI को टेस्ट। तो यहाँ पर कैसे आप भाई फ़ोन देख सकते हो, यहाँ पर आपको भाई 8 GB तक भाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्टोरेज। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity 6000 का भाई प्लस का प्रोसेसर। अगर हम भाई BGMI के ग्राफिक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको अगर हम भाई ग्राफिक्स को चेक करते हैं अगर BGMI के अंदर, सो यहाँ पर हम चलते हैं भाई। और ये वाला फ़ोन कैसे आपको बेस्ट फोन होने वाला है भाई पोको की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स के अंदर हमको 40 FPS तक की भाई गेमिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप भाई 40 FPS के अंदर भाई गेमिंग का कर सकते हो, बैलेंस बेल्ट खेल सकते हो, एक बार आप है खेल सकते हो। यानी कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो यहाँ पर कैसे आप भाई आराम से 40 FPS का मजा ले सकते हो उस वाले फ़ोन के अंदर। अगर ये वाला फ़ोन का कैसे आपको प्रेस बटन कैसे भाई नीचे देखने को मिल जाता है, जो कैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कैसे हम भाई BGMI की बात करूँ तो यहाँ पर भाई ट्रीडम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भाई आगे के बाद भाई बात करते हैं। सो व्हाटएवर से गाइस, पहले गाइस अपने ट्रीडम को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर गाइस हमको भाई फ़ोन के अंदर जो भी प्रोसेसर देखने को मिलता है भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। मतलब भाई आप आराम से 40 FPS की भाई नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। अगर मैं जायरोस्कोप की बात करूँ इस फ़ोन के अंदर, तो यार आप जायरोस्कोप में आराम से खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छे से इसका जायरोस्कोप गाइस हमारा वर्क करता है। बाकी आप भाई सामने गेम प्ले देख सकते हो, हमको यहाँ पर लैग वगैरह तो मुझे भाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला ट्रीडम के अंदर, तो बिल्कुल मेरा स्मूथ गेम चल रहा था। आप ये सामने देख सकते हो यहाँ पर हमारा लैग वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पर फेस करने को नहीं मिल रहा। बाकी अगर मैं जायरोस्कोप की बात करूँ तो जायरोस्कोप में आप इसमें आराम से खेल सकते हो, आपको भाई कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जायरोस्कोप काफ़ी ज़्यादा इसका ओपी से वर्क करता है। बाकी आप सामने देख सकते हो यहाँ पर जायरोस्कोप में कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगा आपको फ़ोन के अंदर। बाकी भाई अगर आपको भाई इरेंगल गेम प्ले वॉच करना है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप भाई इरेंगल का मतलब फ्रीडम का गेम प्ले वॉच करो, उसके आपको भाई ऑटोमेटिकली इरेंगल गेम प्ले चल जाएगा, आप भाई आराम से वॉच कर सकते हो। बाकी भाई आपको गेम प्ले में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी भाई हम मिलते हैं वीडियो के एंड में, आप गेम प्ले को एंजॉय करो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आपको भाई ऐसी वीडियो चाहिए। तो आपके लिए भाई इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप कैसे एक लाइक तो भाई कर सकते हो भाई वीडियो के लिए। बाकी भाई आप देख सकते हो यहाँ पर हमको भाई बिल्कुल भी कोई डिले देखने को नहीं मिल रहा। तो गाइज आप भाई गेम प्ले का मजा लो, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में।